मैंने डिनर में जो रोटी खाई थी वो रोटी थोड़ी बच गई थी, इसलिए आज मैं उन रोटी से पे आपको एक पिज्जा बनाना सिखाऊंगा। और कल जो मैंने इस रोटी के साथ सब्जी ली थी वो भी बच गई, इसलिए मैंने उसे तो फ्राई करके उस पर थोड़ा चाट मसाला डाल दिया जिससे पिज्जा में थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड करके और टेस्टी हम उसे बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपनी रोटी लीजिए, आपको आप इसमें बटर लगाइएगा, मैंने पहले से ही लगा लिया है, अगर आपको मन हो तो लगाइएगा वरना इट्स योर चॉइस। तो सबसे पहले मैं रोटी लूंगा, उसके ऊपर मैं सबसे पहले मेयोनीज डालूंगा। देखिए अब हम इसे अच्छे से हर जगह लगा देंगे। गाइस ये व्हाइट मेयोनीज थोड़ी मीठी होती है इसलिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं, अगर आपको व्हाइट मेयोनीज पसंद हो तो आप इससे ज्यादा लगा सकते हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं हो तो आपकी चॉइस है। तो मैं सिर्फ इतना ही बनाऊंगा, अब इतना ही लगाऊंगा। अब मैं इस पे मेरी फेवरेट आइटम जो मुझे पिज्जा में बहुत यम्मी लगती है वो डालने वाला हूँ, जो है आप लोग की भी फेवरेट हो, चीज। उसको हर जगह मैंने स्प्रेड कर दिया है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब देखिए अब हम ये दूसरी जो रोटी है हम इसके ऊपर डाल देंगे, इसको ज्यादा प्रेस नहीं करना है जोर से, एकदम नॉर्मली एकदम ऐसे आराम से रख दीजिएगा। इस पे भी हम वापस मेयोनीज डालेंगे। एकदम स्लाइड की एकदम अच्छे से कीजिएगा इसमें। पिछले वाले में मैंने इससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की थी, इसमें मैं थोड़ा कम दूंगा क्योंकि इसमें और भी आइटम्स आनी बची है। तो अब हम इसके ऊपर एक थोड़ा सा पिज्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे, जिससे आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं पर मैं पिज्ज़ा पास्ता सॉस डालूंगा ताकि प्रॉपर टेस्ट आए। अच्छे हर जगह इसको एकदम फैला दीजिए, एकदम अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। मैं थोड़ी सी और लूंगा क्योंकि ये झाल होती है, मुझे झालदार चीजें बहुत पसंद है। अभी अच्छे से हर जगह स्प्रेड हो गई है, अब हम इस पे थोड़ी थोड़ी सी चीज डालेंगे। ठीक है अब हम इस पे थोड़ी सी अपने वो सब्जियां डालेंगे। मुझे कैप्सिकम और टोमेटो बहुत पसंद है पर अनियन भी थोड़ा ज्यादा टेस्ट ले आता है, इसलिए मैंने यही तीन सब्जी यूज किया। अगर आपको जो भी सब्जी पसंद हो या ना पसंद हो आप उसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं कैप्सिकम डाल देता हूँ बस बीच में, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी चीज और डाल दूंगा क्योंकि चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और बिना चीज के पिज्जा में मजा नहीं है। अब इसको थोड़ा और झाल करने के लिए हम इस पर चिली फ्लेक्स डालेंगे। आपको भी चिली फ्लेक्स पसंद हो तो डाल सकते हैं पर ना ये ऑप्शनल है। और गाइस ये देखिए कितनी
चीजी पिज्जा लग रही है, अब हमें इसमें इसे ओवन में बेक करना है। देखिए मैं इसे गरम ओवन में डाल रहा हूँ, हेल्दी और यम्मी लग रहा है। अब हम इसे निकाल देते हैं। देखिए ये है बची हुई रोटी से बनाया हुआ पिज्जा जो बहुत ही यम्मी होगा। प्लीज ट्राई इट एट होम।